नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप न्यूज। इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। देश और दुनिया के इतिहास में 25 जून की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। 25 जून 1529 को मुगल शासक बाबर बंगाल पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी आगरा लौटा। 25 जून 1788 में वर्जीनिया अमेरिका का संविधान अपनाने वाला 10वां राज्य बना। 25 जून 1908 देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ। 25 जून 1941 में फिनलैंड ने सोवियत संघ पर हमले की घोषणा की। 25 जून 1947 एन फ्रैंक की डायरी ऑफ यंग ए गर्ल आज के दिन प्रकाशित हुई थी। 25 जून 1950 उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसने आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध का रूप लिया। 25 जून 1976 बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश के आपातकालीन लगाने की घोषणा की। 25 जून 2005 में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में अति कट्टरपंथी माने जाने वाले महमूद अहमदी नेजाद की जीत की घोषणा हुई। 25 जून 2009 में संगीत और नृत्य की नई परिभाषा लिखने वाले माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई।